खबर के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में दावा किया है कि विकास कार्यों के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और राजस्थान का रिवाज तोड़ेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। सुनिए क्या कुछ कहा। प्रदेश में अब विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट दिखने लगी है। दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है। जनता को खुश करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद है जैसलमेर विधायक रूपाराम धांधे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, बात करें आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे को टक्कर दे रही है, लगता है आपको कि इस बार रिवाज तोड़ेगी कांग्रेस सरकार? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद पहले पीएचडी में चीफ मिनिस्टर था, तो मैं राजस्थान में अभी भी आया जाया करता हूं। मैं मेघवाल समाज से हूं और मेघवाल समाज का इंडिया का अध्यक्ष हूं, इस सिलसिले में कई जगह जाता हूं। मैंने पिछले 30 वर्ष से देखा, हर बार जो भी सरकार चाहे कांग्रेस या बीजेपी की होती, चुनाव से एक डेढ़ वर्ष पहले वातावरण निर्मित हो जाता भी, इनको हटाना है। अब खैर, मैं खुद पिछले 8-10 महीने में करीब 132 विधानसभाओं में गया, एरिए में अलग अलग कामों से, खेलों से भी जुड़ा हुआ हूं, कहीं भी ये चर्चा नहीं है। और बैठक जब बैठते हैं, बातचीत होते हैं, तो कई बीजेपी समर्थक भी कहते हैं कि अब की बार जो कांग्रेस सरकार ने विशेषकर माननीय अशोक गहलोत जी ने काम किए हैं, अब कहने को तो हम विपक्ष में कहेंगे लेकिन हमारे पास काट नहीं है। ऐसी बातें जो समर्थक है बीजेपी उनके मुंह से आती है और आम जनता बहुत खुश है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस रिपीट करेगी और अच्छे मार्जिन से करेगी, पहले से अच्छे। बिल्कुल टूटेगा। आपके अनुसार सर, इस बार विधानसभा सीट कितनी आ रही है कांग्रेस के पास, आपके सर्वेस के अकॉर्डिंग? हाँ, हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वोट परसेंटेज है। पिछली बार भी हमारी 99 तो शुरू से ही एमएलए आगे थे, और बाद में जो निर्दलीय साथी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बीएसपी के थे, यूं मिला के हम करीब 125 हो गए। बीजेपी के पास 73 सीटें रही, बाई इलेक्शन में बीजेपी एक ही जीत पाई, 7 बाई इलेक्शन में 6 हमने जीती। इन सबको ट्रेंड को देखते हुए पहले से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा और बीजेपी का पहले से कम रहने की उम्मीद है। जी देखिए, विकास कार्यों को लेकर हमने चर्चा की, चुनावों को लेकर हमने चर्चा की। रूपाराम धांधे मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इस बार हम विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंकेंगे विकास कार्यों पर। वापस जनता जो है गहलोत सरकार को चुनेगी, कांग्रेस सरकार को चुनेगी, और इस बार विधानसभा सीटों में सारे आंकड़ों को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बनाएगी और राजस्थान का रिवाज भी इस बार टूटता हुआ देखने को मिलेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएचईडी में फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी करने के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, गोपाल सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएचईडी उपशासन सचिव गोपाल सिंह शेखावत हैं, जिनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फर्जी दस्तावेजों की जांच में गोपाल सिंह शेखावत की मिलीभगत मिली है। ईडी और एसीबी गोपाल सिंह के खिलाफ केस भी दर्ज कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनके खिलाफ केस भी दर्ज की जा सकती है। ईडी से लेकर एसीबी भी इनके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या लग रहा है, मुश्किलें बढ़ने वाली है गोपाल सिंह की? बिल्कुल, देखिए, लगातार खावत को इसी मुख्यालय द्वारा बुलाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। चूंकि संभावना यह है कि जिस तरीके से जो संपत्तियों के दस्तावेज गोपाल सिंह शेखावत के खिलाफ ईडी को मिले हैं, और ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है कि करीब 50 से 60 करोड़ की जमीनें अजमेर जिले के आसपास खरीदी गई हैं, एक पेट्रोल पंप अजमेर, एक हाईवे जो बनाया गया है, इसके अलावा जयपुर जिले में भी भारी संपत्तियां सामने आई हैं। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार से की गई जो कमाई है वो तो निवेश नहीं की गई है। इसी बीच में एसीबी ने भी अब गोपाल सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है, और एसीबी अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जिन जिन भ्रष्टाचारियों पर या अनियमितता बरतने वालों पर ईडी की नजर है, एसीबी उन्हें पहले ही गिरफ्तार करती रही है और एसीबी भी सघनता से जांच कर रही है। गोपाल सिंह शेखावत की के खिलाफ
जो मामले सामने आए हैं, क्योंकि ये उप शासन सचिव हैं, तमाम प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ जो विभागीय जांच है, कंपनियों की जांच है, उसके लिए उत्तरदायी हैं, और उन जांचों में भारी अनियमितताएं जो है बरती गई है, चाहे वो श्री श्याम और गणपति के फर्जी सर्टिफिकेट का मामला हो या मांगीलाल विश्नोई जो फर्म है, क्योंकि जिस तरीके जो आरोप लगे हैं उसमें दोषी जो फर्में हैं, कंपनियां हैं, उनको इस तरीके से इन्होंने बचाया है, और उसके बदले में क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है, उस तमाम पहलुओं की जांच अब एसीबी भी कर रही है, और एसीबी ने भी तमाम जिलों से ये रिकॉर्ड तलब किए हैं कि जिन कंपनियों को दस्तावेज दिए गए हैं उनकी गंभीरता से यहाँ पर जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर पर गोपाल सिंह शेखावत उपशासन सचिव हैं, आरएस अधिकारी हैं, बिल्कुल राकेश, ईडी से लेकर एसीबी भी गंभीरता से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है, और ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से खबर है, फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने का एक और मामला सामने आया। आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के सहारे मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई की कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर जल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच, ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जयपुर के जलदाय विभाग के टेंडर देने के नाम पर एक और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। टेंडर देने में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जाँच भीलवाड़ा परिवहन कार्यालय के जरिए कराई गयी, जिसमे कंपनी के फर्जीवाड़े का भांडा फूट गया। आरोप है कि मांगीलाल विश्नोई कंपनी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल टेंडर हासिल कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिन मशीनों के कागज लगाकर टेंडर हासिल किए गए वो 14 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय अनजान बने हुए हैं। तो एक्शन के लिए जांच बिठा देंगे उसकी। कब बैठाएंगे सर? जैसे हमको रिपोर्ट मिलेगी हम बिठवाएंगे जांच। रिपोर्ट तो आपको दे दी गई, अपील खारिज होती तो मैंने अपील देने के बाद मैंने जांच बिठाने के लिए बोल दिया। कौन बिठाएगा जांच? राज्य सरकार जैसे डायरेक्शन आएगी दे देंगे हम। अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं है? नहीं, अभी डायरेक्शन नहीं। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। जानकारों की माने तो भाजपा सांसद केवड़ीलाल मीणा ने मांगीलाल विश्नोई कंपनी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए दिए गए टेंडर की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय से कर दी है। इसके अलावा मुख्य अभियंता रामकरण मीणा का मोबाइल फोन जब्त कर फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी करने संबंधी अहम सबूत भी प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी ने जुटाए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब फर्जी कागजातों के जरिए किसी कंपनी को टेंडर दिया गया हो। इससे पहले श्री श्याम और गणपति कंपनी को इस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स श्री श्याम और मैसर्स गणपति कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में आज से 1 महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने इसे लेकर आदेश जारी किए। त्योहारों को देखते हुए डीएम ने धारा 144 लगा दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई। आज से आगामी 25 अक्टूबर तक पूरे जिले में धारा 144 लागू रहने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्योहार लगातार एक एक कर कई सारे आने वाले हैं, और इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में आज से अगले 1 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। तो जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने ये आदेश जारी किए। त्योहारों को देखते हुए ये फैसला डीएम की ओर से लिया गया है। कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरीके की दिक्कतें ना आने पाए, अव्यवस्थाओं का आलम ना देखने को मिले, इसी को लेकर ये बड़ा फैसला डीएम की ओर से। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। इस्तीफे के प्रकरण को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे को दी गई चुनौती पर चर्चा की जाएगी और सुनवाई की जाएगी।
विस अध्यक्ष सचिव की कार्यप्रणाली को नियम विरुद्ध बताया गया था और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका दायर की थी और इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जो बेहद अहम है क्योंकि इसे लेकर जो सचिव ने आदेश दिए थे, जो कार्यप्रणाली थी उसी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं बीजेपी की ओर से और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे लेकर एक याचिका भी दायर की थी। आज इस पूरे मामले पर एक साथ कई विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया था और इसी प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि क्या दलीलें दोनों ही पक्षों की ओर से पेश की जाती हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का आरपीएल के आयोजन के मामले को लेकर इस वक्त का अपडेट आपको बताते चले। अर्निल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अर्निल कंपनी से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। आरसीए द्वारा हाईकोर्ट में जवाब पेश किए देने जवाब देने हैं। तो आरसीए द्वारा हाईकोर्ट में जो जवाब पेश किए गए हैं उस पर जवाब पेश करना है। अभी तक अर्निल कंपनी ने कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है। अर्निल कंपनी ने आरसीए की आरपीएल की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी है। आरसीए की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल पैरवी करने वाले हैं। और सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रमुख सुदामा के पति के विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। डिग्गी मीणा ने महिला सरपंच को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ कई पोस्ट किए गए। एक के बाद एक विधायक दानिश अब्रार पर कई बड़े आरोप लगाए गए। 243 अल्पसंख्यक नौजवानों को झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगा है। डिग्गी मीणा का अब्रार के समर्थक पर धमकी देने का भी बड़ा आरोप है। तो टिकट की दावेदारी के बाद जिला प्रमुख पति और विधायक में ठन चुकी है और एक एक कर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया के जरिए टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं में आपस में ही ठन चुकी है और एक एक कर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक एक कर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। 243 अल्पसंख्यक नौजवानों को झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगा है। टिकट की दावेदारी के बाद जिला प्रमुख पति और विधायक दोनों में आपस में ठन गई है, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें एक एक कर कई आरोप लग रहे हैं। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, कई बड़े आरोप लग रहे हैं, सच्चाई भी है इसमें क्या? जी देखिए, जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाई माधोपुर में कांग्रेस के दो बड़े जो नेता हैं वो आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और विधायक दानिश अब्रार हैं तो दूसरी तरफ जो जिला प्रमुख हैं सुदामा मीना, उनके पति हैं डिग्गी प्रसाद मीना, उनकी ओर से विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले कई समय पहले जो विधायक हैं और जिला प्रमुख के जो पति हैं डिग्गी प्रसाद मीना, वो एक ही साथ कई जगहों पर कई जो मंच हैं कांग्रेस के मंच हैं, चाहे वो ये जो प्रशासनिक कार्यक्रम मान लीजिए, वहां पर हमेशा साथ नजर आते थे। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। एक और विधायक हैं जो वापस दोबारा से सवाई माधोपुर से दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ जो डिग्गी प्रसाद मीना हैं उन्होंने भी विधायक को लेकर के अपने टिकट की दावेदारी की तार ठोक दी है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिग्गी प्रसाद मीना है वो विधायक पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज, विधायक दानिश अब्रार पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए लगातार पोस्ट सामने आ रहे हैं। कुछ प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई है, खंडन किया गया इन आरोपों का? जी देखिए, अभी तक मुखरित होकर के सामने जो दोनों नेता हैं वो मीडिया पर सीधे तौर पर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया पर ये बयानबाजी और ये जो घटनाक्रम है वो लगातार देखा जा रहा है। डिग्गी प्रसाद मीना की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार विधायक के विरोध में जो पोस्ट है वो लगातार डाली जा रही है। एक महिला सरपंच को प्रताड़ित करने का आरोप डिग्गी प्रसाद मीना विधायक पर लगा रहे हैं, कई बदरी के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और भी कई गिरिराज, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संबोधन चल रहा है, सीधे लिए चलते हैं सुनाते हैं। उस संकल्प को साकार करने की मशीन का एक पुर्जा बनने, एक अंग बनने, एक हिस्सा बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी आप सबके पास है। आप लोग और भी सौभाग्यशाली इसलिए हैं, ये जो आपकी पीढ़ी है, ये सौभाग्य न मेरे पास में होगा न दिनेश जी के पास में होगा, रामचरण जी युवा हैं शायद इनके पास में होगा, कि आप लोग, आपकी पीढ़ी, आप लोग इस बात पर गर्व कर पाएंगे कि हमने इस देश का निर्माण किया है। और साथ ही साथ में विकसित भारत में जब 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, तब भी आप उस भारत के, विकसित भारत की सेवाओं का अंग बने रह करके देश के विकसित स्वरूप की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी सिर्फ आप ही की पीढ़ी को मिलने वाला है। इतने सौभाग्यपूर्ण अवसर जब भारत इस गति के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदल रहे, भारत की अर्थव्यवस्था का जिस गति के साथ में विकास हो रहा है, हम सब जानते हैं इस बात को कि आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, शायद हम सब लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा FDI, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा का निवेश इस देश में हो रहा है। पिछले आजादी के बाद से लेकर के अब तक के कुल 75 वर्ष में भारत में जितना कुल मिलाकर के विदेशी मुद्रा का भंडार संचित हुआ, अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो भी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय कालखंड में हैं जब पिछले 9 वर्ष में उसका 65% हिस्सा भारत में आया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की उन तमाम महाशक्तियों को पछाड़ते हुए 5वें पायदान पर आकर के खड़ी हुई, उस ग्रेट ब्रिटेन को जिसने। और उकल लेते हैं बड़ी खबर का, अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, खैरथल के टपूकड़ा में सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, रास्ते में पीछे से कार ने बाइक को टक्कर मारी जिसके बाद ये भीषण हादसा हो गया और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत पर काम करने के बाद बाइक से ये सभी घर लौट रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, दंपति सहित बेटी की भी मौत हो गई। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा, जहां पर खेत पर काम करने के बाद ये सभी घर की ओर लौट रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी जिसके चलते इन 3 की मौत हो गई है। अब शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। टुकड़ा से आ रहे थे कपास बीन के, नरमा बीन के आ रहे थे, ये नौगांव में एक्सीडेंट हुआ। सुनीता इस लड़की का नाम है, इसके पापा का नाम ज्ञान है और मम्मी का नाम अमिता है। ये तीनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, पीछा से टेम्पो ने टक्कर मारी और जैसे ये रास्ता में घूमे अपनी तरफ, उससे पीछे से नुकली सीधी टक्कर इनको, तीनों उनको लगी है, वह तो वहीं एक्सपायर हो गए और इस लड़की को हम दिया।